गौरी लंकेश, पत्रकार, फियरलेस, निडर, शॉट डेड, अपने घर के बाहर खड़ी थी। गौरी लंकेश अक्का ई वीडियो द्वारा निम्गे नावु सल्यूट मारती थी। गौरी मैम, वी सल्यूट यू फॉर योर फियरलेसनेस। दिस इज जस्ट जानेट। पत्रकारिता छोले भटूरे बेचने की तरह ना जोखिम वाला काम तो नहीं है, पर काश आप सब ये समझ पाते। एक गौरी लंकेश गई है ना, 1 मिलियन, 10 लाख गौरी लंकेश जब खड़ी हो जाएंगी ना भारत में, तब भारत बदलेगा। क्या हैं आप उनमें से एक? गौरी लंकेश एक महिला पत्रकार, बहुत सी गलतियां की थी उन्होंने अपने जीवन में, और वो जानती थी कि उनका ऐसा अंत होगा। अपने लेखों में कई बार वो इस बात का जिक्र भी कर चुकी थी। पहली गलती, एक ऐसी ताकत से उलझने की, एक ऐसी ताकत से सवाल पूछने की जो अपने सामने आने वाली हर चीज का नामो निशान तक मिटा देते हैं। अगर उस ताकत से कोई सवाल करे ना तो वह जवाब में गोली देते हैं। दूसरी गलती, एक महिला होने के बावजूद हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा भारत महान हो, धर्म में उलझ कर नहीं, तरक्की करके, विकास करके। तीसरी गलती, जेल से आने के बाद भी वो अत्याचारों के सामने झुकी नहीं, लड़ती रही, अपने लेखों में जिक्र करती रही। और कुछ ऐसी ही गलतियां इस साल 40 से ज्यादा पत्रकारों ने की, जिनका अंत कुछ ऐसा ही हुआ। कल हो सकता है आम प्रेस वालों का अंत भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी सब जानते हुए हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ऐसी गलतियां बार बार करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मैं शालू दुग्गल, एक महिला, एक पत्रकार, आम प्रेस। सच बोलना चाहे मौत ही क्यों ना दे, जुनून और पैशन शायद इसी को कहते हैं। और हाँ, मेरे फ्यूनरल पर मेरी माँ के अलावा कम से कम 10 लाख महिलाएं पहुंचे, तब मेरी आत्मा को शांति पड़ेगी कि जो कहा, सुना, सोचा, उसमें क्या बुरा भला। जय हिंद।